Listen guys, this is Vinayaka Sharma. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सम टिप्स बताऊंगी जिसके कारण मैं 99% ले आई, जिसके कारण मैं ऑल पंजाब टॉपर बन सकी. तो ये कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, और लास्ट वीडियो के लास्ट में एक गोल्डन टिप भी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहली टिप है कि जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें पढ़ाई में मजा ही नहीं आता, हमें कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है. तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो भी स्टोरी पढ़ें उसको विजुअलाइज करते रहें दिमाग में साथ साथ. हमें इमेजिन करना चाहिए कि अच्छा अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है. तो इस ऐसे करके हमारे दिमाग में एक स्टोरी बन जाएगी जिसके कारण हमें पढ़ने में भी मजा आएगा. और इसका एक और पॉइंट साथ में जोड़ सकते हैं कि हमें एक्रोनियम्स का यूज करना चाहिए. एक्रोनियम्स होते हैं कोई शॉर्ट फॉर्म्स. जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि वो कैसे था. मेरा पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप. इसके 5 पॉइंट्स थे जिसमें थे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, करंट एंड द कल्चरल रिलेशनशिप्स. तो ऐसे 5 पॉइंट्स लर्न करना मुश्किल था, तो मैंने इसके लिए एक एक्रोनियम बना लिया जिसका था एपिक. तो एपिक सिर्फ लर्न करना था, उसके बाद अपने पॉइंट्स अपने आप ही मुझे डिस्क्राइब करने थे. एपिक से मुझे लर्न हो गया इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, सी से करंट एंड कल्चरल. तो दिस इज द इजियर वे टू लर्न थिंग्स. तो मेरा सेकेंड पॉइंट जो है वो है कि हमें नोट्स बनाने चाहिए. नोट्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, बस ये है कि हमें बुक पढ़कर पूरी बुक की लैंग्वेज नहीं लिख देनी. हमें बुक में से चैप्टर पढ़कर जो हमें समझ आया है हमारी लैंग्वेज में उसे सेपरेट नोटबुक में लिख देना ही नोट्स होते हैं. और नोट्स में आपके पास फुल फ्रीडम है, आप अपनी जितनी मर्जी क्रिएटिविटी दिखाना चाहे दिखा सकते हैं. मेरे नोट्स में मैंने कलरफुल पेन्स का यूज़ करा था, मैंने छोटी छोटी विजुअलाइजेशन में ड्राइंग्स भी यूज़ करी थी जिससे कि पढ़ने में मजा आए. तो हमारा बेसिकली पॉइंट ये है कि जब हमारे एग्जाम नज़दीक आए तो हमें पूरी की पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, हमारे पास वो नोट्स का बंडल हो कि जो हम एग्जाम के बाद एग्जाम के पहले पढ़ सके. तो ये है पूरा पॉइंट नोट्स का. तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैंने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए थे जो कि मैं अपने क्लासरूम में नहीं लेकर जाती थी, ये सिर्फ मैं अपने एग्जाम के पहले ही यूज़ करती थी. तो मैं आपको बता दूँ कि सोशियोलॉजी में मैंने जब मेरा बोर्ड एग्जाम था तब मैंने अपनी बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी. बुक में से जो मैंने मेरी हॉलीडेज में नोट्स बना रखे थे मैंने सिर्फ नोट्स से ही पढ़ाई करी थी सोशियोलॉजी में. और मुझे पता था कि क्योंकि नोट्स में मैंने पूरी की पूरी अपनी लैंग्वेज यूज़ करी थी क्योंकि मुझे नोट्स पूरी तरह समझ आ गए थे, इसीलिए मेरे 100 में से 100 सोशियोलॉजी में भी आ गए. तो जो मेरी थर्ड टिप है वो है डाइट के रिलेटेड. हम पूरा साल तो जंक फूड खाते रहते हैं, इवन मैं भी खाती हूँ, उसमें कोई मना ही नहीं क्योंकि सब टीनेजर्स खाते हैं. लेकिन मेरी जो टिप है वो ये है कि हमें एग्जाम्स के नज़दीक पूरी तरह जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए. नो पिज़्ज़ा, नो बर्गर, नो गोलगप्पे, नथिंग. क्योंकि इसके कारण हमारी जो एनर्जी है वो डाइजेशन पे ज़्यादा चली जाती है और हमारी एनर्जी हम दिमाग पर नहीं लगाते. तो इसीलिए मेरी ये टिप है कि डाइट पे हमें सिर्फ फाइबरस फूड खाना चाहिए, मतलब जो भी फ्रूट है हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें चपातीज खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स चलो खा सकते हैं, अगर आप खाने चाहिए तो भिंडी खा लो क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में सिर्फ हमें भिंडी पसंद होती है स्टूडेंट्स को. और भी अगर आपको पसंद है तो आप वो कुछ भी खा लो, मतलब न्यूट्रिशन रिच फूड खाना चाहिए. और ऑरेंज ऐसा फ्रूट है वो स्ट्रेस रिलीवर फ्रूट है. अगर हम ऑरेंज खाएंगे तो हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और हमारा एग्जाम में तो काफ़ी स्ट्रेस होता ही है. तो इसलिए ऑरेंज इज वन ऑफ द फ्रूट दैट विल आई रिकमेंड टू यू. जो फोर्थ पॉइंट है मैं आपको बता दूँ वो है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. जी हाँ, एग्जाम्स के पहले मुझे पता है कि सब स्टूडेंट्स को बहुत टेंशन होती है पेपर कैसा आएगा, अगर पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा. हमें फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन होती है, हम प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं रहते. ये मेरे साथ भी होता है क्योंकि हम सब टीनेजर्स एक जैसे हैं, हमें बहुत सारी टेंशन होती है. इसीलिए पर ये फोर्थ पॉइंट है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. तो स्ट्रेस नहीं क्यों ले, अगर हम स्ट्रेस लेंगे ना तो हमारे पास ओवर थिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा. हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे, हम फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाएंगे कि अगर हमारे इतने नंबर नहीं आए तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद और ये सब, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है, हम अपनी ओवर थिंकिंग नहीं स्टॉप कर सकते. लेकिन स्ट्रेस रिलीव करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सही टिप है, वो है योगा. जी हाँ, योगा से ही होगा. योगा करने से हमारा स्ट्रेस बहुत रिलीव हो जाता है. मैंने खुद ये अपना एक्सपीरियंस करा है कि जब मैं
एग्जाम्स के दिनों में ही सिर्फ आलोम विलोम या ओम का उच्चारण करती थी, तो उसी वजह से भी मेरा मेरा स्ट्रेस काफ़ी डिक्रीज हुआ है और मेरे में ओवर थिंकिंग की जो आदत है वो काफ़ी हद तक मेरी डिक्रीज हुई है। तो योगा करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आप बहुत सारे योगासन कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, जो भी ईजी है आपके लिए। तो जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो है कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया, हमें सब कुछ आता है, नोट्स भी बन गए, सारे चैप्टर भी रीड हो गए, स्ट्रेस भी रिलीव हो गया। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, हमें सब कुछ तो आता है, अब हमें मैम को वो पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, अब उसके रिलेटेड मैं आपको टिप्स बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो हमें हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी हैंडराइटिंग सुंदर होगी तो टीचर उसे देख के ही इम्प्रेस हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है, क्योंकि मेरे टीचर सारे मेरी राइटिंग से इम्प्रेस हो जाते थे और मेरी पेपर प्रेजेंटेशन मेरी क्लास में सबसे टॉप पर थी। ये मैं अपनी तारीफ तो कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे टीचर से भी पूछ सकते हैं कि दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद माई पेपर प्रेजेंटेशन। एंड इसके लिए हमें चाहिए एक कोई भी पेन यूज़ करें, उसको सुंदर तरीके से लिखना होता है हमें। ये नहीं होता कि हमें कहीं भी सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, हमें अगर किसी सेक्शन, फॉर एग्जांपल हमें बी सेक्शन हमने पहले स्टार्ट करी है तो ऊपर हमें मेंशन करना चाहिए सेक्शन बी, ताकि हमारे टीचर को पता चल जाए कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, इसने ऊपर मेंशन करा है। तो ये कुछ टिप्स होते हैं जिसके कारण हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पे जो हमारा पेपर चेक कर रहे होते हैं। तो इसी कारण मेरे अच्छे अच्छे नंबर आ जाते थे, क्योंकि हमारी टीचर्स पेपर प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस हो जाते थे और जो लिखा होता है उसमें हमें फ्लो चार्ट्स बनाने चाहिए, ताकि हम इजीली मैम को समझा पाए कि हम क्या समझाना चाहते हैं, हम अपने आंसर के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं वो हम इजीली समझा पाते हैं। हमें फ्लो चार्ट्स के अलावा हमें बायोग्राफ्स भी बना सकते हैं आप, लाइन्स ड्रॉ करो, और अगर आपके पास टाइम बचा तो हमें हर आंसर के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए, उससे बहुत ही ज़्यादा नीट और सुंदर दिखता है हमारा। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक गोल्डन टिप दूंगी, तो ये है मेरी गोल्डन टिप कि आप सबने देखा होगा कि कई बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो जब वो ऑटो में जाते हैं तो ऑटो में किताबें खोल के पढ़ते रहते हैं, अगर वो पापा के साथ जाते हैं तो पीछे एक्टिवा के पीछे बैठकर भी रास्ते में पूरा पढ़ते हुए जाते हैं, बुक्स खोल कर जाते हैं। वैसे एक बात है कि इसे कोई पढ़ना वढ़ना तो होता नहीं है, बस आपके दिमाग में हो टेंशन ही हो जाती है। यस, एक तो आप जितना पढ़ सके हैं उतना पढ़ लिया होता है, क्योंकि एंड में आपको कुछ लर्न तो होने वाला नहीं है, फिर ऐसे पढ़कर और टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। और जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें बहुत सारे बच्चों का झुंड भी मिलता है जो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लगे रहते हैं, वो हमें ये सवाल पूछेंगे जानबूझकर, वो सवाल पूछेंगे ताकि हमें लगे कि अरे ये क्वेश्चन तो हमें याद ही नहीं है, तो हमें और ज़्यादा टेंशन हो, हमें और ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो इन बच्चों से भी दूर रहना चाहिए। ये है मेरी गोल्डन टिप। तो आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और इस वीडियो को देख के आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप टॉपर बन सकते हैं, कैसे पढ़ें, कौन सी स्टडी टिप्स, कौन सी स्टडी हैक्स यूज़ करने चाहिए कि जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक ऑल्सो एंड डू कमेंट इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू सो मच।